तो मैंने कहा कि मैं तुम्हें आज खिलाता हूँ टकाटक तवा चाप। जी सर, बेगम साहब आ गए हैं, तालियां। आइए, अस्सलाम वालेकुम। हम भूखे नहीं मर सकते, रैम्बो साहब कुछ भी काम कर सकते हैं। खुशबू भी आ रही है, खुशबू आना शुरू हो गई है। खुशबू आ रही है, अरबाज आएगा? नहीं। हाँ, अकेली आ रही है। तो बहुत मजेदार भाई। आप देख रहे हैं जान रैम्बो यूट्यूब चैनल। टैन टैन देखते रहिए। हाँ ना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ जान रैम्बो और आप देख रहे हैं जान रैम्बो यूट्यूब चैनल। और ये जनाब आप तवा देख रहे होंगे, ये टकाटक आप देख रहे होंगे। मैं आज बनाने लगा हूँ, मेरे बेटे को कीमा और वो जो है ना चाप बड़ी पसंद है, तो मैंने कहा कि मैं तुम्हें आज खिलाता हूँ टकाटक तवा चाप। क्या ख्याल है? हो जाए फिर मैं बनाने लगा हूँ जी। शुरू करता हूँ इसमें, ये सारी चीज़ें मेरे पास पड़ी हैं, बारी बारी जो भी आएगा इसमें हम डालते जाएंगे, जिसकी बारी आती जाएगी। तवा गर्म हो चुका है, हमने इसमें डालना है जी, ज़रा ज़्यादा गर्म हो गया है, ऑयल आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी डाल सकते हैं। ये देखें इसका रंग, देखें ये सरसों का तेल है, सरसों का तेल है ये, आपको यकीन नहीं आ रहा ना, ये देखें कितना लाइट इसका कलर है। इसको पकाना पड़ता है, वो मैंने आपको एक दफ़ा जिक्र भी किया होगा किसी वीडियो में, बल्कि कई दफ़ा किया है। और मैसेज आएंगे जी, आप सरसों का तेल मीठा करना या उसे पकाने का तरीका भी बताएं, नेट पे बहुत सारा है लेकिन मैं भी बताऊंगा। अच्छा जी, शुरू करते हैं जी। आधा किलो कीमा, आधा किलो चाप है, उसके लिए सबसे पहले हम डालेंगे प्याज। दो प्याज मैंने काटे थे। ओहो, तेल ज़्यादा गर्म हो गया। ब्राउन नहीं होने देना, बस हल्का सा ये अपना रंग बदले। और अब हम इसमें डालेंगे जी चांप। चांप को थोड़ी देर मैंने बॉईल कर लिया है ताकि ज़रा इसमें कीमा ज़रा जल्दी पक जाता है, तो इसमें देर लगती है, दोनों मिक्स बनाने हैं। और अगर आपने खाली चांप इस तक टकाटक बनानी है तो फिर डालने की भी ज़रूरत नहीं है जी। अब हम इसमें चांप को करेंगे ऐड। इसमें यखनी भी ये बनी हुई है थोड़ी सी, चांप चली गई हुई। ऐसे ही दो तीन मिनट के लिए मैंने इसको उबाल लिया था ताकि ज़रा नरम हो जाए। और साथ ही हम इसमें डाल देंगे जी कीमा। जी ये कीमा है, हाथ का कुटा हुआ कीमा, हाथ का कुटा हुआ कीमा, इसका मज़ा आता है जी। अब हम साथ ही इसमें आधा किलो दही डाल देंगे, अपना कीमा डाल देंगे इसमें, और आधा किलो चांप है। ये हो गया जी, थोड़ी सी हम इसमें यखनी डाल देंगे। ये मिक्स हो गया जी। अब हम इसे 5 मिनट के लिए आंच ज़रा तेज करके इसको कवर कर देंगे, ज़रा स्टीम दे देंगे इसको, ये 5 मिनट के लिए। अच्छा जी, अब इसको अभी 2-2.5 मिनट हुए हैं, ये हटा के मैं इसमें अब डाल देनी है लहसुन और अदरक का पेस्ट। ये मिक्स है, ये मैंने ये तकरीबन 1.5 चम्मच इसको करना है मिक्स। दो मिनट के लिए इसको और स्टीम देते हैं। मज़ीद 2-2.5 मिनट हो गए हैं, अब हम इसको देखते हैं जिसकी शक्ल। हाँ, बनाई की खुशबू शुरू हो गई है, बारी आती है जी टमाटरों की। दो दरमियाने टमाटर मैंने चॉप कर लिए थे, और ये दो टमाटर साबुत काटे 4 पीस में, एक ही डालेंगे, एक साबुत और 2 छोटे ये हमने रखे। मिक्स किया,
हमने इसको दोबारा स्टीम देनी है फिर 4 से 5 मिनट के लिए। और ये मैं बना रहा हूँ जी, मैं पहले बताया था कि मेरे बड़े बेटे जो हैं उनको भुना हुआ कीमा और चाँप बड़ी पसंद है। चाँप चाहे इस तरह बुनी हुई हो, चाहे हंडिया में पकी हो, या फिर वो उस पर सीख पे कोलों पे पकी हुई हो, वो बड़े शौक से खाते हैं हसन खान साहब। तो आज मैं उनको, मैंने कहा कि क्यों ना ये वाला एक नया टेस्ट उसको कराऊं, अगर उसे पसंद आ गया तो फिर ये बनते रहा करेंगे, अगर नहीं पसंद आया तो फिर हम अपने लिए कभी कभी बना लिया करेंगे। अभी है जी, अभी मसाले डले नहीं हैं, खुशबुआ आ रही हैं, आए लपटा लपटा स्टीम, इसको बड़ा ज़बरदस्त हो रहा है, टोटल बंद हो जाता है, ये देखें कहीं से निकल नहीं रही हवा। ओ हो हो जी सर, बेगम साहब आ गई हैं, तालियां, आइए, अस्सलाम वालेकुम, बेगम साहब आ रही हैं जी। शुक्र है उनको मेरा ख्याल आया कि बेचारा बाहर बैठा गर्मी में कुछ पका रहा है, उसको पूछ लूँ जी। पानी सूख गया, टमाटर में पानी छोड़ा है, पानी सूख भी गया, टमाटर गल भी गए हैं, ये देखें, ये आपने टमाटर साइड पे किए और ये छिलका इसका निकाल लिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आप बैठे हैं, आप बैठे आ जाएं, ये क्वेश्चन है, आप यहाँ बैठ सकते हैं या वो कुर्सी लें साथ, आप कुर्सी लें। अच्छा जी, ये देखें अब ये गल गए हैं तो छिलका खुद ब खुद अलग हो गया है, ये आपने इसको मारा हल्का सा, ये सर आपने ये क्या काम किया, ये देखिए ना, मैं तो भाई मुझे ये है कि हम भूखे नहीं मर सकते रैम्बो साहब कुछ भी काम कर सकते हैं, रेस्टोरेंट खोल लो। अच्छा जी, ये आ गया जी, ये छिलके निकल आए, निकाल दिए, अब आपने इनको करना है मिक्स। अब बारी आती है जी मसालों की। है टमाटर को मैंने अभी किया, अभी कीमे को नहीं किया, जी बारी आती है जी अब मसालों की। ये तो मैंने देखा ही नहीं। हाँ ये है टका टक, ये देखे ना। अच्छा जी, इसमें हम डालेंगे जी 1/2 चम्मच हल्दी, थोड़ी सी हल्दी वाली, उसके बाद हम डालेंगे मिर्च पाउडर तकरीबन 1/4 चम्मच, जितनी आप डालना चाहें अपनी मर्जी से, और गरम मिर्च कुटी हुई मिर्च, इसका अपना एक मज़ा है, और ये इतनी तेज़ भी नहीं होती, कभी कभी तेज़ निकल भी आती है। अच्छा जी, अब हम इसमें डालेंगे हसबे जायका नमक, तो इसमें थोड़ा सा हो जाएगा, यस ठीक हो गया जी। नमक के बाद हम करेंगे इसको मिक्स। ये हो गया जी मसाला मिक्स, ठीक हो गया जी। अब हम इसमें डालने जा रहे हैं जी, हाय हाय हाय, देखिए मैं ये ज़्यादा जगह जो गर्म है ना वहाँ से उठा लिया। हाँ हाँ, मसाले अब हम इसमें डालेंगे दही, ये देखें कितना तेल गर्म है, ये हमने 4 बड़े चम्मच डाल दिए। अब हम इसमें करेंगे मिर्ची, शक्ल कैसी लग रही है बेगम साहब आपको? शक्ल बहुत अच्छी लग रही है और खुशबू भी आ रही है, खुशबू आना शुरू हो गई है। खुशबू आ रही है, अरबाज आएगा? नहीं। हाँ अकेली आ रही है। मसाले मिक्स हो गए, अच्छी तरह मिक्स हो गए हैं, और क्या कहते हैं दही जो है वो खुश्क हो गई है, रच बस गई है कीमे में। अब हमने इसमें डालनी है जी 4-5 हरी मिर्चें, इनकी अपनी जो खुशबू और अपना मज़ा होता है, और इसको हमने दोबारा कर देना है 1.5 से 2 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए, साथ साथ चेक करते रहना। हर कस्टमर के बाद या हर एक एक डिश बनाने के बाद या निकालने के बाद ऐसे सफाई करते हैं, बड़ी अलग बड़े अच्छी अच्छे लगते हैं, और उनके पास पर रश भी ज़्यादा होता है, लोग भी आते हैं, बहुत ज़्यादा लोगों को समझ आ गई है कि साफ़ सुथरी चीज़, बचपन में हमें पता नहीं होता, मक्खियों वाला चुप के खा लेने से बीमार भी नहीं होते थे, पता नहीं अब मक्खियाँ बैठी हुई हैं, शुर ले आ भाई
दही बड़े, आलू चार चने। असल में ये जो सोशल मीडिया, उसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आ रही है हर चीज़ का बच्चों को, जो अब हमें आके चीज़ें पता चल रही हैं वो बच्चों को, हमारे छोटे छोटे बच्चों को भी पता, पहले ही पता चल रही है। छोटी उम्र प्यार करने के रुल जाएंगे, छोटी उम्र प्यार ना करें। अच्छा जी, साथ साथ ज़रा देखते भी रहें, क्योंकि तवा ज़रा मेरा नया है, वो मुझे ये है कि लग ना जाए। मुझे करने को दिल करता है और मैं वो काम कर जाता हूँ। मुझे अल्लाह का शुक्र है सीखना नहीं पड़ता, सेंस होनी चाहिए, बंदा देख के कर ले। ये भी मैंने देखा पिछले दिनों, हम जरा आपको पता है वो लंदन से जो नजीद आए हुए हैं, उनको वो कहते हैं कि मुझे टका टक खाना है, तो मैंने कहा खा लो। मास्क वास्क पहना हुआ था, खैर मैं पहन के थोड़ा सा पानी का छींटा और लगा देना। चले लगा, आपकी मर्जी भी लगा। हाँ। देते हैं, लगाते नहीं होते, लेकिन इसको ज़रा 5 मिनट दे देते। आप तो शौकिया होते हैं ना, ये प्रोफेशनल जो जिसको एक्सपीरियंस है इतने सालों का, उससे ज़रा मशवरा भी ले। लेकिन इसमें काम पानी नहीं लगाते होते, मैंने पहले यखनी भी डाल दी थी, लेकिन बन जाता है, कोई नहीं, पानी नहीं कौन सा रहना, अभी सूख जाएगा। एडा बड़ा तवा शर्र करो, पानी पर हो गया, तो मैं जो चीज़ भी देखता हूँ वो बना लेता हूँ, बन जाती है। जो काम देखता हूँ पक्का ठीक कर लेता हूँ। मज़े की बात बताऊँ, वो एक्सरसाइज वाली साइकिल है ना, वो मैंने खोल ली थी, ज़रा जैम हुई थी। मैडम को आजकल जोश चढ़ा दोबारा साइकिल करनी है, तो मैं निकाल के लाया, स्टोर में पड़ी थी उसकी। जब मैंने कहा यार ये तो पुरानी है, ज़रा सख्त है, तो मैंने कीमत देखी तो 50,000। मैं कहा फजूल खर्ची गुनाह है, रोको। उसी को मैंने निकाला, मैंने ऑयलिंग खुद कर दी, लेकिन वो हल्की नहीं हुई, थोड़ी सी ज़रा है भारी थी। मैंने फिर कल बुलाया उसको, मैकेनिक को, जैसे जैसे मैंने खोली उस तरह उसी ने खोल ली भाई, और मैंने बगैर देखे वो पहली दफ़ा खोली, और जो जो मैंने उसको करना था मैंने वही किया। उसने कहा जी ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, कहता है जी इतना अर्सा बंद रही है तो बस आप इसको चलाएं, और कुछ भी नहीं किया, वो जो मैंने किया था वही था। तो आप देख लें कि मैं बगैर देखे भी सीख जाता हूँ। फिर 2-3 चीज़ें मुझे नहीं पता थी, मैंने बैठ के अपनी मोबाइल की लाइट ऑन करके उसके सर पे बैठा रहा, और वो भी मैंने सीख ली कि कल को मुझे खोलनी पड़ जाए दोबारा तो क्या करना पड़ेगा। तो मैं इतने काम इस तरह देख के सीख लेता हूँ। लो जी पंप नैया हो गया है, हाँ हाँ बिल्कुल रेडी हो गई है जी। अच्छा मुझे ये बताएं कि कितना टाइम है बनाने में, ताकि मैं बच्चों को भी जरा रेडी करूं। बच्चों को रेडी करें, रोटियां भी पकवाऊं। ये बिल्कुल रेडी, आप रोटी पकवाएं, ये तो तैयार है। अच्छा ऑलमोस्ट ये बिल्कुल रेडी है। साथ कोई रायता चटनी नोश फरमाएंगे? हाँ चटनी बनवा दें आप, अगर वो क्या कहते हैं उसको, चटनी बनवा लें आप उसकी, लहसुन की, लहसुन वाली जो बनवाते हैं खाने पे। जी बहुत शुक्रिया आप मेरे चैनल पे आई, मुझे अपने चैनल पे मुफ्त बुला लेती हैं, मेरे चैनल पे नहीं आती, लोग समझते मेरा उसके नाल ही चैनल है, तो वो सब्सक्राइबर ज़्यादा हैं मेरे काटने। यार ये ना करो भाइयों, मेरे चैनल को बराबर करो। अच्छा जी यार, वैसे मैं आपको बताऊं, ये पहली दफ़ा बनाई है मैंने, और मुझे मज़ा आ रहा है देख के, और खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है। अच्छा जी लास्ट में एक चीज़ हमने इसमें डाली है, वो क्या होगी वो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा जी, अगर आपने टका टक का शौक़ पूरा करना है तो चांपें करनी है आपने अलग, ठीक है। अगर कीमा मोटा हो, उनको मिक्स करना हो सारी चीज़ों को आपस में, यक जान करने के लिए, जो टका टक है ना इसका मज़ा वही है जब टका टक ना हो। कर दिया हमने चांपें लगा, अब देखिए एक और, ये कीमा, जी हाँ हाँ हाँ, मुनव्वर शरीफ साहब की एक वो थी, वो ये टका टक कर रहे होते हैं, वो टिक्कियाँ लगाई होती हैं उन्होंने, वो शामी कबाब की टिक्कियाँ, और ये हो रहा होता है। मुनव्वर साहब आगे कहते हैं हाँ भाई, और की टिक्कियाँ टैप करन दें,
तो टाइप वो जो पहले टाइपराइटर होता था उसमें ऐसी आवाज आती थी। ले जी ये टकाटक भी हो गया, बिल्कुल रूखा बना है जी, बड़ा जबरदस्त। लास्ट में हमने इसको तड़के के तौर पे काम करना है, वो मैं आपको बताते हूँ। अब हम इसमें डालेंगे जी दो चीजें, एक तो है जी जीरा, एक चुटकी जीरा इसमें जाएगा खुशबू के लिए, हाँ हाँ हाँ, और उसमें जाएगा जी एक चम्मच खुशबू के लिए देसी घी। सुबहान अल्लाह, ये छोटा था इसलिए मैं ज़रा इसमें तीन डालता हूँ, बड़ा चम्मच जो है वो आप एक या डेढ़ डालें अपनी मर्जी के हिसाब से, इसका जो मज़ा है ना खुशबू है। मक्खन डालना चाहें इस मौके पे आके मक्खन भी डलेगा। अब आइए ना खुशबू, लो जी ये बन गया जी हमारा तवा चांप कीमा। अब इसमें जाएगा जी खूबसूरती के लिए ये थोड़ा सा धनिया, हरी मिर्चें और ये अदरक बारीक काट के रखी थी पानी में। अब बच्चों को खिला के पूछता हूँ मैं, ये रहा जी। आपको कैसी लगी मेरी वीडियो बताइएगा मैसेज करके, और आप घर में अगर टाइम हो किसी को बनाने का शौक़ हो तो ज़रूर बना के खाए। मैं आपको अभी थोड़ा सा खुद भी टेस्ट करके बता दूँ ना कि कैसा है। तो बहुत मज़े था भाई, ओहो हाँ माशाल्लाह ज़बरदस्त है, तो बड़ा अच्छा बन गया। कैसे बन गया, बहुत अच्छा बना जी। बहुत शुक्रिया मेरे साथ रहने का, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आप देख रहे हैं जान रैम्बो यूट्यूब चैनल, टैन टैन देखते रहिए। हाँ ना, तो मैंने कहा कि मैं तुम्हें आज खिलाता हूँ टकाटक तवा चांप। जी सर, बेगम साहब आ गए हैं, तालियां, आइए। अस्सलाम वालेकुम। हम भूखे नहीं मर सकते रैम्बो साहब, कुछ भी काम कर सकते हैं। खुशबू भी आ रही है, खुशबू आ रही है, अरबाज आएगा नहीं। हाँ, अकेली आ रही है। तो बहुत मजे था भाई, ओहो हाँ। आप देख रहे हैं जान रैम्बो यूट्यूब चैनल, टैन टैन देखते रहिए। हाँ ना।